हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करते हैं HTML5 के एक नए टैग के बारे में, और वो है वीडियो टैग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो गाइस, वीडियो टैग के मदद से हम अपने वेब पेज में वीडियो लगाने का काम करते हैं। ओके, अब बात ये आती है कि हम अपने वेब पेज में वीडियो क्यों लगाएं। देखिए, जैसे हमारा कोई पर्सनल ब्लॉग हो और उस ब्लॉग में हम अपने पर्सनल वीडियो शेयर करना चाहते हैं, तो वो हम वीडियो टैग के थ्रू लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारी एक न्यूज़ की वेबसाइट है और हम अपने अलग अलग न्यूज़ को शूट करके उसमें अपलोड करना चाहते हैं, तो ये सारे वीडियोज़ को हम वीडियो टैग के मदद से अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो गाइस, अब बात ये आती है कि HTML5 से पहले जैसे वीडियो टैग नहीं था, तो उस वक्त में हम वेब पेज में वीडियो किस तरह प्ले करते थे। तो गाइस, उस वक्त में हम वीडियो को एम्बेड करते थे HTML पेज में। ओके, और किसी थर्ड पार्टी प्लगइन के मदद से हम वीडियो को प्ले करते थे, जैसे फ्लैश प्लेयर। ओके, तो गाइस, अब हम स्टडी करने वाले हैं वीडियो टैग की। तो गाइस, वीडियो टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे ऑटो प्ले, कंट्रोल्स, लूप, म्यूटेड, प्रीलोड, SRC, पोस्टर, विड एंड हाइट। ओके गाइस, इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, वो कॉमन एट्रीब्यूट्स है जो हमने इससे पिछले वाले वीडियो ऑडियो टैग में हमने देखे, जिसमें ऑटो प्ले, कंट्रोल्स, लूप, म्यूटेड, प्रीलोड, SRC, ये सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने स्टडी किए। अगर आपने ऑडियो टैग की वीडियो देखे होंगे तो ये सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको मालूमत होगी, और अगर आपने वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, वो है पोस्टर, विड एंड हाइट। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमने यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, उसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे टाइटल में मैसेज लगाते हैं वीडियो टैग। ओके, सेव करके रिफ्रेश करते, देखो गाइस, यहाँ पे वीडियो टैग आ गया। तो चलिए, आप मेन कोडिंग की तरफ जाते हैं हम वीडियो टैग की। तो हम बॉडी टैग में लगाएंगे यहाँ पे मेन टैग, वो है कौन सा, वीडियो टैग। ओके, उसके बाद गाइस, हमने ऑडियो टैग में देखे थे, ऑडियो टैग के बाद हम कौन सा टैग यूज़ करते थे, सोर्स टैग। तो यहाँ भी हम यूज़ करेंगे सोर्स टैग। ओके, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सोर्स। गाइस, सोर्स टैग के अंदर बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है SRC जो शॉर्ट फॉर्म है सोर्स का, और एक है टाइप एट्रीब्यूट। ओके, तो SRC में हम वो लिंक देंगे जो हमें वीडियो की लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है, जो वीडियो हमें आप वेब पेज में क्या करना है, प्ले कराना है। ओके, और गाइस, टाइप में क्या होता है, वो सोर्स किस टाइप का है, वीडियो का है, ऑडियो का है, और उसका फाइल फॉर्मेट कौन सा है। ओके, तो गाइस, यहाँ पर डेस्कटॉप पे हमारा एक फोल्डर है वीडियो, जिसमें हमारे वीडियो है क्लास 11, जिसको हमें लिंक करना है HTML डॉक्यूमेंट में। तो चलिए, हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं यहाँ पे फाइल फॉर्मेट। तो गाइस, MP4 फाइल फॉर्मेट है। ओके, हम इसका नेम यूज़ करेंगे class11.mp4। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे सोर्स में class11.mp4। ओके, और गाइस, टाइप में हम क्या यूज़ करेंगे कि ये सोर्स कौन से टाइप का है, तो वीडियो टाइप का है। ओके, तो वीडियो ऑब्लिक में हम देंगे फाइल फॉर्मेट, तो हमारे फाइल का फॉर्मेट कौन सा है, MP4। ओके, तो चलिए, अब हम इसको सेव करते हैं। तो गाइस, वीडियो को हम प्ले करने से पहले यहाँ पे फर्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वीडियो टैग में, वो है विड। ओके, तो हम वीडियो के विड सेट करते हैं ताकि पूरे बैकग्राउंड में वीडियो प्ले ना हो। ओके, तो हम यहाँ पे विड लगाते हैं 500px, सेव करके रिफ्रेश करते। तो गाइस, देखो यहाँ पे वीडियो हमारी शो हो गई है, इसका विड जो है 500px आ गया है। और गाइस, यहाँ पे हमें कोई कंसोल नज़र नहीं आ रहा है, प्ले बटन, पाउज बटन, इसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं वीडियो टैग में सेकेंड एट्रीब्यूट जो हमने ऑडियो टैग में देखे थे, वो क्या था, कंट्रोल्स। ओके, तो चलिए, अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं कंट्रोल्स। चलिए, सेव करते इसे, हमने इसको सेव किया, सेव करके रिफ्रेश करते। तो गाइस, देखो, जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ सारा कंसोल आ गया है, हम यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको प्ले कर सकते वीडियो को। ओके,
तो गाइज ये एट्रीब्यूट था वेट एंड कंट्रोल्स। ओके अब गाइज हम वीडियो की हाइट सेट करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ वेट के साथ इसके हाइट भी क्या हो, यहाँ पे बढ़ जाए। ओके तो एक एट्रीब्यूट यूज होता है हाइट एट्रीब्यूट, तो हम यहाँ पे वीडियो टैग में लगाएंगे हाइट। हाइट देते हैं हम 500px, आप कितनी भी हाइट दे सकते हैं। ओके तो चलिए सेव करके रिफ्रेश करते। तो गाइस ये जो एक्चुअल में हाइट है, देखो यहाँ पे इतनी बड़ी स्क्रीन हो गई, लेकिन जैसे हम वीडियो को प्ले करेंगे तो वो एक्चुअल जो उसकी साइज़ है वीडियो की, वो उतनी स्पेस में क्या होगी, प्ले होगी, बाकी ये ब्लैक स्पेस आ गया है। ओके तो अगर यहाँ पे वीडियो में अगर अच्छा नहीं नज़र आ रहा है तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे और सिर्फ वीडियो में हम विड एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, हाइट को निकाल देंगे। ओके तो हमने यहाँ से हाइट को निकाल दिया, कंट्रोल एस से हमने सेव किया, सेव करके रिफ्रेश किया। तो गाइस ये हमारी एक्चुअल वेट सेट हो गई है और वीडियो हमने यहाँ से प्ले किया। ओके तो गाइस हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो का जो है ना थंबनेल क्या हो, चेंज हो। जैसे अभी थंबनेल कौन सा है, ब्लैक कलर है। ओके तो हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर थंबनेल सेट हो जाए। जैसे आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ के थंबनेल्स देखे होंगे, कि जैसे थंबनेल्स हम देखते हैं हमें समझ में आता है कि वीडियो का कंटेंट क्या है। ओके तो हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो का भी एक थंबनेल सेट हो, तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वीडियो टैग में, पोस्टर एट्रीब्यूट। ओके जिसके मदद से हम अपने वीडियो को क्या करेंगे, थंबनेल दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फोल्डर में, हमारे वीडियो फोल्डर में एक इमेज रखे थंबनेल नाम की, तो हम इस इमेज को लिंक करना चाहते हैं अपने वीडियो में। तो हम इसका फाइल फॉर्मेट चेक करते .jpg और नेम क्या है फाइल का, thumbnail.jpg। ओके तो हम यहाँ पे पोस्टर में यूज़ करेंगे नेम thumbnail.jpg। ओके तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ्रेश करते। तो कैसे देखो हमारा जो वीडियो है इसको थंबनेल आ गया है। जैसे हम वीडियो को प्ले करेंगे ये प्ले होती है, और जैसे रिफ्रेश करते हैं हम इसको, तो हमारा थंबनेल हमें वीडियो में शो हो रहा है। ओके तो गाइज ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे जो हमने आज वीडियो में देखे, और जो एट्रीब्यूट्स है वो कॉमन एट्रीब्यूट्स है जो ऑडियो टैग में हमने देखे। तो गाइज अगर आपने ऑडियो टैग की वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद फिर वो वीडियो टैग की वीडियो देखें। ओके तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, आपको वीडियो समझ में आई होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।